राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। देखिए कितनी जल्दी नया साल आ गया और नए साल के 15 दिन भी चले गए, पता भी नहीं चला ना। और आ चुकी है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का अपना एक विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी की होती है, हमेशा कभी भी डेट के अनुसार पड़ती है, वो कभी भी ना 15 जनवरी की होती है ना 13 जनवरी की, केवल 14 जनवरी की होती है। और इस मकर संक्रांति पर, किसी भी मकर संक्रांति पे दान का अपना एक विशेष महत्व होता है। और अगर मैं बात कहूँ मकर संक्रांति की, तो 14 चीजें दान का अपना एक विशेष महत्व होता है। और आप लोगों को शायद ना पता हो, तो शास्त्रों में बोला गया है कि दीप दानम महादानम, अंग्री पुराण में भी ये लिखा गया है, ब्रह्म भैवत पुराण में भी आया है, स्कंद पुराण में भी दीप दान की बहुत ज्यादा महिमा कही गई है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि मकर संक्रांति पे मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाली हूं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या दान करना है, अपनी बेटी को, अपनी नंद को आप क्या क्या दे सकते हो, कैसे पूजा कर सकते हो, क्या क्या कैसे खिचड़ी सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को एक दान मेरे कहने पर अवश्य और अवश्य करना है, और वो दान होता है दीप दान। आप दिन में तो मैं आपको बोलूंगी नहीं दीप दान करने के लिए, क्योंकि मैं उसमें आकाश दीप दान की भी वैल्यू बताऊंगी। इसलिए आपको वो दीप दान शाम को करना है। शाम को किस समय पे करना है? जब सूर्य अस्त हो चुका होता है, जब गोधली वेला होती है, तब आपको वो दान करने हैं। आपको मिट्टी के 14 दीपक लेने हैं, ना तो 15 होने चाहिए, ना 13 होने चाहिए, ना ही होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि 14 चीजों का विशेष महत्व होता है। उसके बाद ना आप सरसों का तेल डालेंगे, ना घी डालेंगे उसमें। आपको केवल और केवल तिल का तेल ही डालना है, क्योंकि तिल दान का जो महत्व है मकर संक्रांति पे, वो अपने आप पे विशेष महत्व है। कहते हैं कि मकर संक्रांति पे अगर आप तिल दान करते हो, तो तिल दान मकर संक्रांति पे महादान की श्रेणी में आता है, चाहे वो सफेद तिल हो, चाहे वो काले तिल हो। तो आपको तिल का तेल लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 14 दियों में आपको तिल का तेल भर देना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पीतल के, चांदी के, स्टील के भी दिए ले सकते हैं, लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है? अब आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप लंबी बत्ती जलाइए। अगर आप निस्वार्थ भाव से केवल भगवान की भक्ति के लिए ये करना चाहते हो, तो आप गोल बत्ती जलाइए, ठीक है? बड़े सारे लोग प्रश्न पूछेंगे, दीदी गोल बत्ती जलाएं या फिर लंबी बत्ती जलाएं, कैसे करें, आप हमें बताओ। लंबी बत्ती हो या गोल बत्ती हो, दोनों में हल्दी डालना अत्यधिक आवश्यक है। तो बत्ती को इकट्ठा करके एक जगह पे हल्की सी हल्दी डाल दीजिए आप, क्योंकि हल्दी अगर हम डाल देते हैं तो हमारा जो गुरु ग्रह है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस बात का आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब आपको करना क्या है, आपको 14 दिए लेने हैं, उसमें आपको तिल का तेल डालना है। तिल का तेल डालने के बाद उसमें आपको लंबी या गोल बत्ती, जो भी आपकी वो है, वो आपको लंबी या गोल बत्ती डाल देनी है। और मंदिर के सामने वो 14 दिए एक थाली में रखकर आपको प्रज्वलित कर देने हैं। थाली में रख के आपको वो 14 दिए जला देने हैं। जब मंदिर के सामने आप वो 14 दिए जला दें, तो उसमें से 2 दिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे रखने हैं। ध्यान रखिएगा, 2 दिए घर के मुख्य द्वार पे, 1 दिया तुलसी माता पर, 1 दिया मंदिर पर, 1 दिया किचन एरिया में, जो भी आपका अन्य, यहाँ पे भी आपका अन्य बनता है, वहां पे आपको रखना है। 1 दिया आपको एक थाली में छोटी सी नदी बनानी है। अब आप कहोगे दीदी थाली में नदी कैसे बनती है? थोड़ा सा गंगा जल डालना है, पानी भर देना है, तो वो हो गई आर्टिफिशियल नदी। मतलब माँ गंगा को या माँ यमुना को याद करते हुए आपने एक दिया उसके अंदर रख देना, बहुत ज्यादा पानी नहीं भरना, इतना रखना है कि दिया उसमें रख जाए, ठीक है? तो एक दिया आपको वहां पे रखना है। अगर आपके घर के पास कोई शिवालय है तो एक दिया वहां पे रखना है। पीपल के पेड़ पे एक दिया रख के आना है, समी के वृक्ष पे एक दिया रखना है, और अपनी छत पर दिया जरूर और जरूर रखना है, ठीक है? बाकी जो दिए बचेंगे, बाकी आपके जो जो भी कमरे हैं उसमें आपको एक एक दिया अवश्य रख लेना है। अब आप कहोगे दीदी पीपल का पेड़ नहीं है, क्या करें दीदी, या समी का वृक्ष नहीं मिल रहा, क्या करें दीदी? तो आप अगर पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा है, समी का पेड़ नहीं मिल रहा है, तो ये दिए आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन घर के बाहर तो 2 दिए जरूर रख लोगे, ऐसा तो नहीं कि घर ही ना मिल रहा हो, है ना? अब लोग कहेंगे दीदी हम छत पे रहते हैं और नीचे हमारा मैन गेट है, तो हम कौन से वाले मैन गेट को माने? ये क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। तो आप
यहाँ से निकलते हैं अर्थात आपके ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ पुणे में, तो मैं अपने घर के सामने ही जलाती हूँ, मेन गेट पे नहीं, क्योंकि मेरा जो मुख्य द्वार है वो थर्ड फ्लोर पे ही है, ठीक है। तो उस पे जो फ्लैट्स एरिया है, तो जो भी आपके फ्लैट्स का फ्लैट्स का एंट्री गेट है आपको, वो मेन गेट नहीं एंट्री गेट जो आज जिससे आप एग्जिट होते हैं वो, ठीक है। किचन एरिया में आप इजीली रख सकते हैं, अपने घर के जितने भी रूम है उसमें रख सकते हैं। तुलसी माता हर किसी के घर पे होती है, तुलसी माता पे रख सकते हैं आप। और साथ ही के साथ कोई भी मंदिर, अगर शिवालय नहीं मिल रहा है तो आप विष्णु भगवान के, राधा जी के किसी भी मंदिर में आप इजीली वो दिए रख सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तब भी ये दिए आप अपने घर के मंदिर में जरूर डालिए। और अगर आप ये बोलोगे कि दीदी हमारे पीरियड्स आ रहे हैं, अब पीरियड्स में दिए कैसे जलाएं, क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो पीरियड्स में भी आप ये उपाय कर सकते हो। पीरियड्स में आपको मंदिर पे दिए नहीं जलाने हैं, पीरियड्स में आपको दिए अपने किचन एरिया में या फिर ड्राइंग रूम में जला लेने हैं, और घर के मुख्य द्वार पे दो दिए रख देने हैं, अपने घर के कमरों में एक एक दिया रख देना है, बाकी जितने भी दिए बचे वो आप छत पे रख के आ सकते हैं। तो पीरियड्स में भी ये उपाय अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि दीप दान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। आप कुछ भी दान कीजिए, अन्य दान कीजिए, आप राशि के अनुसार कुछ भी दान कीजिए, मूंगफली दान कीजिए, मूंगफली का दान का बहुत महत्व है, तिल दान का विशेष महत्व है। कहते हैं इस समय पे जो तिल का दान करता है उनको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जो जन्म लेने की और बार बार जो मरने की प्रतिक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। और तिल दान का तो बहुत महत्व है, और मकर संक्रांति का अपने आप में विशेष महत्व होता है, क्योंकि मकर संक्रांति पे उत्तरायण लग जाता है, और मकर संक्रांति वो तिथि होती है जब भीष्म पितामह तीर की सरिया पर सोए हुए थे, और 52 दिन हो चुके थे तीरों की सरिया पे सोए हुए, लेकिन तब भी वो इंतजार कर रहे थे कि कब उत्तरायण आए और कब मैं अपने प्राण त्यागूं, क्योंकि उनको भी मन चाहे मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तब भी वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, और मकर संक्रांति में उत्तरायण आया तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो मकर संक्रांति का अपना एक विशेष महत्व होता है, मकर संक्रांति पे करने वाले उपाय भी बताऊंगी, मकर संक्रांति पे विशेष पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है वो भी बताऊंगी। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ये दिए वाला उपाय अवश्य कीजिए। अच्छा हाँ, मिट्टी के जो दिए लेने हैं वो आपको नए लेने हैं, यूज करने वाले दिए नहीं लेने हैं, अर्थात जो यूज हो चुके हो वो दिया नहीं लेना है। आप चाहो तो कलावे की जोत भी जला सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होती है। बाकी मैं मकर संक्रांति पे एक दो वीडियो और अवश्य बनाऊंगी। मेरा इस समय पे थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो बिजी चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा।